हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ जिसको कुछ भी नहीं मालूम है इन्फोसिस कैसे टेस्ट लेती है, क्या क्या उसमें आता है। तो उन सब लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि परेशान ना हो, और जो मैं बता रही हूँ थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे दे रही हूँ, तो इसके थ्रू आप लोग स्टार्ट तो कर सकते हो, और जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आगे आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है? हाँ जी। तो फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न क्या है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 15 क्वेश्चन 25 मिनट के होते हैं। ठीक है? सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक है? तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको 70% से अबव लेके आना है हर एक सेक्शन में। इसमें सेक्शनल कट ऑफ जाती है। ठीक है? तो रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट आप लोग को करना है। ठीक है? 15 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट है उसके लिए। फिर उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी आएगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन है और 35 मिनट है, बहुत है, हो जाता है आराम से। ठीक है? फिर है आपका वर्बल एबिलिटी, ये आपका इंग्लिश का होता है। ठीक है? इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स का होता है। तो देखो क्या करना है आपको, पैराग्राफ सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको और सारी चीज़ें करनी है, पैराग्राफ सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। फिर आता है आपका सूडो कोड टेस्ट। सूडो कोड टेस्ट में सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 मिनट होता है। सूडो कोड में ये होता है प्रोग्रामिंग एक तरह से। ठीक है? मेरे टाइम में प्रोग्रामिंग आई थी, और वैसे सूडो कोड भी आ जाता है, प्रोग्रामिंग ही सेम ही है। अगर प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आपका ये सूडो कोड टेस्ट वाला क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, और पजल सॉल्विंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिसके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? जो कि 10 मिनट्स में करना रहता है। टोटल टेस्ट ड्यूरेशन आपका 100 मिनट होता है। 100 मिनट में आपके ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखो, आज मैं आपको दो चीज़ बताने वाली हूँ, पजल सॉल्विंग और सूडो कोड। ठीक है? ये आपके पजल सॉल्विंग के आपके 4 क्वेश्चन पक्के। ठीक है? मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ डिजिट चेंज होगी, बाकी लॉजिक यही लगने वाला है। तो आप लोगों को इसमें से ही 4 क्वेश्चन ये पक्के ऐसे करके जाओ कि तुरंत लॉजिक आपको दिमाग में क्लिक हो जाए और तुरंत आप लोग आंसर कर दो। ठीक है? तो 10 मिनट्स में आप लोग कर दोगे, और 5 क्वेश्चन सूडो कोड के। ठीक है? मैं वो भी दिखा दूंगी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो बच्चे आपके ये 3, रीजनिंग ज़्यादा कठिन नहीं आती है, रीजनिंग का लेवल एकदम ठीक है। ठीक है? बाकी मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो तैयारी कर रहे होंगे वही कर पाएंगे, है ना? 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। 7 जो जो तुम्हें तुम्हारे टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, और भी एक आध जो टॉपिक है जो बिल्कुल पक्के आपके हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनके मतलब जिसके जो टॉपिक पक्के हैं वही टॉपिक एकदम पक्के करके अपने क्वेश्चन कर लेना। ज़्यादा उस पर मत जाना, ज़्यादा टॉपिक्स पे जो करना वो एकदम पक्के करके करना। ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका वर्बल एबिलिटी, ये है आपकी इंग्लिश। ये तो आपको प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन करोगे ऑनलाइन जा करके, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और सो गाइज, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोगों को अगर एंड तक देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं कंफर्म बताती हूँ आपको, 100% गारंटी लेकर के इसमें से ही क्वेश्चन आपका आएगा। सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी लॉजिक सेम ही रहेगा। ठीक है? ऐसे ही सूडो कोड है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 4 3 4 5 1 7 4 4 9। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको प्लस करके देखना है। तो फिर 4 4 8 3 11, ये हो गया तुम्हारा 11। ठीक? और ये हो गया 5 1 7 7 6 13। ठीक है? 9 4 13 और 4 21, सॉरी 17। ठीक है? 4 4 8 और 9 17 हो गए। ठीक है? और अब देखो इसमें गैप क्या आ रहा है, गैप नहीं देखना इसमें, सॉरी। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले अभी हमने इसका देख लिया, 11 13 17 आया। अब इसको प्लस करके देखो, 8 1 9 2, 11 का 1, 2 2 4 1 5 1 6, ये हो गया 61। ठीक है?
61 आ रहा है यहाँ पे प्लस करके इन तीनों को। ठीक, अब 21, 12 और 34 को प्लस करो, 4 दो 6 7, 3 तो 5 और 1 6 67। अब ये देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये है 11, ये है 13, ये है 17, और ये है 61, ये है 7। अब अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ पे 7 में से 1 गए 6, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे बना रहे हैं हम कुछ कि 7 में से 3 गए, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो कुछ कॉमन सा नहीं बन रहा है। ले तो फिर ये क्या हो रहा है देखो, 11 13 17, ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही ये 61 67, अब इसके बाद क्या आने वाला है प्राइम नंबर, इन सबको प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके 67 आया है ना, तो ये क्या है प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो अब 67 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा बताओ जरा, 67 के बाद 68 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, ना ही 69 होता है, 70 भी नहीं होता है, तो बचा क्या 71। तो अब देखो यहाँ पे आना चाहिए 71, तो ऐसा क्या प्लस करें इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो कि हमारा 71 आ जाए। तो देखो 7 और 4 कितना हो गया 21, ठीक 2 3 4 ये हो गया 41, इन दोनों का प्लस करके। अब 71 में से 41 माइनस कर दो, सॉरी 1 मिनट, 31 होता है, 31 इन दोनों प्लस करोगे 31 होगा, तो 31 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 गए 0, 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ क्या आ रहा है आपका 40, तो 40 हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है आप लोगों को, सबसे पहले आपको प्लस करके देखना है, प्लस करके कुछ नहीं बन रहा है दोनों में, इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में कुछ कॉमन या कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि आखिर हो क्या रहा है। तो हमने ध्यान दिया तो कि 11 13 17 ये हमारे प्राइम नंबर्स प्लस होकर के प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन पहले ही आपको दे रखा है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो बॉक्स 23 23 16। ठीक है, अब देखो 29 29 13, 31 31, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या। अब जब 23 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका 529। ठीक है, क्या आएगा 529, और जब आप इनको प्लस करोगे इसके स्क्वायर को तो फिर आपको क्या मिलेगा 16, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 529 आया है, 529, ठीक है, अब इसके बीच में मैं प्लस लगा देती हूँ। ठीक, अब इसको प्लस करो तो क्या आ जाएगा, 9 2 11 और 5 16, ये 16 आ गया। अब बताओ 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, 841, अब 841 प्लस करो तो क्या आ गया आपका 13। ठीक है, अब इस तरीके से 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, 961 को प्लस करोगे, 9 प्लस 6 प्लस 1, तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा 9 प्लस 6 प्लस 1, 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया क्या 16। ठीक है, इस तरीके से करना है क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो अब इसमें देखो 357। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया, तो इनको प्लस करोगे क्या आएगा 15। ठीक है, 15 का हमने 1 यहाँ पे लिखा है फोर्थ बॉक्स में, और 5 जो है ऊपर वाले बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे 67 71 73 को प्लस करोगे तो आपका आएगा 211। ठीक, 211 आएगा, तो 21 हमने यहाँ लिखा है और उसका जो लास्ट 12 डिजिट है 1 वो यहाँ लिखा है। अब 331 337 347 को प्लस करो जरा,
तो आपको मिलेगा क्या, 1015 प्लस तो कर लोगे ना, मैं अब एकदम पूरा उसको एक्सपेंड करके नहीं बता रही हूँ, ठीक है? आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी आप लोग कर लेना क्योंकि टाइम तो कम है, प्रैक्टिस करनी है, लॉजिक समझो और ट्राई करो, ठीक? तो अब 1015 आया है, तो अब बताओ क्या आएगा। तो जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ के लिए बच गई, और 101 हमने यहाँ लिख दिया, 101 लिखा, बचा क्या, 5। तो इसकी जगह क्या आएगा हमारा, 5। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान से देखो ये वाले जो बॉक्स हैं, 23, 19, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। 23 दिख रहा है आपको, उसके बाद ये क्या है, 529। इस तरीके से देखो, कोशिश करो कुछ बने। तो 23 और 529 का कुछ बन रहा है, हाँ इसका स्क्वायर होता है 23 का, 529। ऐसे ही 361 19 का स्क्वायर होता है ना। अब 841 यानी कि किसका स्क्वायर होता है, एट फोर वन, बताओ जरा 841 किसका स्क्वायर होता है। इसके लिए आपको स्क्वायर रूट निकालने वाले की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको पता है, ठीक है? नहीं तो आप लोग मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, उसमें टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट देख लेना, ठीक है? तो 29 मतलब इसमें से ऑप्शन उठाओगे तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जैसे कि 841 आ रहा है ना, तो 6 6 से करेंगे तो 1 लास्ट में तो आने वाला नहीं है, 6 आएगा, 7 से करेंगे तो 9 आएगा, 8 से करेंगे तो 4 आएगा, 9 9 से करेंगे तो ही लास्ट में 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि 29 इसका आंसर होगा, तो 8041, ठीक है? ठीक है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक यही है, सब में क्या करना है, आपको देखना है कि डिजिट किस तरीके से दे रखी है। जैसे कि सारे सबसे पहले क्या प्लस करके देख रहे हैं, नहीं पता चल रहा, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऐसे ही इसमें देख लेंगे, सब में आपको प्लस करना ही पड़ेगा, लॉजिक देखना है और प्लस करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पक्का आने वाला है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? इसमें देखो क्या है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से 1 उठाना है, यहाँ से 7 उठाना है, 7 और प्लस 1 करोगे क्या आएगा, 8, ठीक? फिर यहाँ से उठाओगे 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5, 8 5 जा 40, ठीक? हमने एक पैटर्न चेक कर लिया, हमेशा जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना इस डिजाइन में, उसका यही करना है। क्या करना है आपको, उसको अलग अलग कर लेना, 1 9 कितना हो गया, 10, ठीक? और 2 1 कितना हो गया, 3, ठीक है? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 30। पैटर्न पता चल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स। तो अब देखो इन दोनों को, ठीक, 5 3 जा 15 है ना, सॉरी ये 5 0 कितना हो गया, 5, और 3 0 कितना होता है, 3 होगा, प्लस करने पे कुछ होगा तो है नहीं, तो 5 3 जा 15, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 15। सिंपल सा है, ठीक है? समझ में आ गया ना, इस तरीके से करना है, 15 आ गया ना, समझ में आ गया? आसान है, बहुत इजी है, सबको खाली अलग अलग करना है, उसके बाद आप लोगों को प्लस कर देना है, अलग लिया, अलग लिया, 7 1 को 8 कर दिया, 2 3 को लिया अलग करके 5 हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके बन रहा है यहाँ पे वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट आ जाओ, हमने मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पजल सॉल्व करने में, पजल सॉल्व करने में 4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे आपको 5 करके बता दिया, तो इसी तरीके से आपका आएंगे, ठीक है? सूडो कोड में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आओ देखते हैं सूडो कोड के कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आपको सूडो कोड दिया हुआ है, ये आपको, ठीक है, प्रोग्राम है एक तरह से, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस प्लस। अब मैं इसको आपको करके बताऊंगी तो फिर टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? आप लोग इसको करके देख लेना, ठीक? तो क्या करना है, फॉर लूप चल रहा है, ठीक है? एक्स क्या है हमारा, 10 है, ठीक?
एंड, ये क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है, एक्स राइट शिफ्ट बाय वन, ठीक। इफ 10 है, सॉरी यहाँ 10 नहीं आएगा, ये जो 10 एंड एक्स शिफ्ट वन करेंगे राइट हैंड साइड में, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे। इफ दिस है तो फिर प्रिंट कर देगा एक्स को। इसी तरीके से ये लूप चलता चला जाएगा जब तक कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तक रहेगी, ठीक है। तो आपका आउटपुट ये आने वाला है, आप इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी आप लोग का संडे को एग्जाम है ना। नेक्स्ट आ जाओ, देखते हैं। टाइप डेफ इंट नम, नम बी 0.0, इंटीजर टाइप का नम हमने डिक्लेयर कर रखा है, नम बी 0.0, ठीक है। प्रिंट करना है क्या? परसेंट डी की वैल्यू, सॉरी परसेंट डी लिखा है, परसेंट डी का मतलब होता है इंटीजर टाइप, ठीक है, और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। और हमने यहाँ पे लिखा क्या है? 0.0, जो कि है डबल में, ठीक। और हमें चाहिए क्या? सिर्फ हमें बी परसेंट डी चाहिए। परसेंट डी बोल तो इंटीजर वैल्यू। तो फिर इंटीजर वैल्यू सिर्फ, तो यहां से जो पॉइंट से बाद वाली वैल्यू ये हट जाएगी, बचेगी क्या? सिर्फ 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। और आपको मैं एक ट्रिक और बताती हूँ, आप लोगों को जो आउटपुट पूछेगा उसमें 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जरूर जिसमें उसका आउटपुट 0 आने वाला है, तो वो आप लोग खुद देखना, ठीक है, गेस लगा लेना, है ना। नेक्स्ट है ये इंट मेन ए इक्वल्स टू, ये देखो क्या है, आप लोग सोच रहे हो कुछ है नहीं ना, इसका मतलब होता है ए में कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, ये जो होता है ना इसकी वैल्यू होती है आस्काई वैल्यू, ठीक है। और फिर इसके साथ इंटू हो रहा है 10, तो जब आप इसकी वैल्यू चेक करने जाओगे डबल कोट्स की, और मतलब बीच में जो ये डैश है एक तरह से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 32। आस्काई वैल्यू पड़ी होगी ना, ए इक्वल टू 65 इस तरीके से, ठीक है। तो ए बी सी डी की तो पता होगी, लेकिन इनकी नहीं पता ना, जो स्पेशल कैरेक्टर है या फिर आपके जो डैश वगैरह है, तो उसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो 32 इसकी वैल्यू हो गई, और इंटू करोगे 10 से तो क्या आएगा? 320। और हमें प्रिंट क्या कराना है? ए में क्या कौन सी वैल्यू आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ए में आ गया, तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल्स टू 320। तो ये हो गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका ए इक्वल्स टू 100, उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट है, हमें ए प्रिंट करना है, तो इसमें जो है ना हमेशा जो इस साइड वाली वैल्यू रखोगे वो ही प्रिंट होगी, ध्यान रखना, ठीक, करके देख लेना आप लोग इसको, ठीक है। जो हमारे राइट साइड में जो भी वैल्यू रहती है ना, ये परसेंट एक्स है, अब इसकी जगह परसेंट वाई रखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस, मैंने आप लोगों को इसमें दो टॉपिक कवर कर दिए हैं, अभी मैंने इसके प्रोग्रामिंग तो ज्यादा उससे बताई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आता है जिसमें आपका एक क्वेश्चन तो पक्का 0 आउटपुट वाला आने वाला है, और 100% मैं पजल वाले की तो गारंटी ले सकती हूँ कि आपको इसमें से पक्का 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल आता ही कितना है? 4 आता है, और 3 आपको इसमें से मिल जाएगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगी, एक तो ये पक्का आने वाला है। सो गाइज, मैंने आपके लिए दो टॉपिक ये एक तरह से कवर कर दिए, मतलब आपको आइडिया तो लग गया है ना, मैंने अगर इसमें कोई भी मिस्टेक कर रखी हो जल्दीबाजी में तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम रहता, मैं भी अपना जॉब छोड़ करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोज बना सकूँ, ठीक है। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि और वीडियो मैं अच्छे अच्छे ला सकूँ, आपको सही सही जानकारी दे सकूँ। तो दो चीजें मैंने आपको करवा दी हैं, मैथमेटिक्स आपकी इतनी ज्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है, आप नॉर्मल वाली कर लोगे तो भी हो जाएगा आप लोगों का क्लियर। ये ज्यादातर पता है फोकस किस पे करो? टाइम एंड वर्क, जो है टाइम एंड वर्क कर लोगे ना तो उस
मतलब गलत नहीं होते टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन जल्दी से। सो टाइम एंड वर्क का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो पाइप सिस्टम का हो, टाइम वर्क सेम ही उस पर चलता है, दोनों के कॉन्सेप्ट तो सेम ही है एक तरह से, ठीक है। और रीजनिंग आपकी बहुत ईजी वाली आने वाली है, जैसे कि डेस्क करके आ जाएगा कुछ भी, ऐसे अल्फाबेट लिखे रहेंगे उसके बाद, और फिर ऑड वन आउट करके आ जाएगा। और बाकी देखो मैंने वर्बल एबिलिटी का बताया है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी, मतलब इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, पैराग्राफ सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में रह जाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पीछे जाना है, पीछे से क्वेश्चन उठाने हैं, उसके बाद आप लोग पैराग्राफ करोगे जो टाइम बचेगा उसमें, ठीक है। सबसे पहले सारे क्वेश्चन कर लोगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन शायद बचेंगे पैराग्राफ के लिए, तो उसके बाद पैराग्राफ करना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 5 सेक्शन आपको आने वाले हैं टेस्ट में, ठीक है, यही आते हैं, यही आने वाले हैं। सो गाइस मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर के आ सकूं, और जॉब से भी रिलेटेड, ठीक है, सारी अपडेट्स आपको दे सकूं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज कोऑपरेट मी।